देखिए, ये जो हमने फिल्म बनाया है इसमें सोसाइटी का दो एस्पेक्ट को हमने डील किया है। एक हम मैसेज देना चाहते हैं कि आज जो जवान पीढ़ी है, जो यंग लड़कियां हैं, उन लोग क्या चकाचौंध में लुप्त हो जाती है, फादर मदर के बात नहीं सुनते, गलत राह पे जाती है और बाद में रियलाइज़ करती है कि घर में जो बुज़ुर्ग लोग कहते हैं वही सच है, ये मॉल, ये डिस्को पार्टी बुराई नहीं है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल में रखा करो। बाप उसको हमेशा समझाती थी, बेटी रिमोट कंट्रोल अपने हाथ पे रखा करो, किसी के हाथ पे रिमोट कंट्रोल मत दिया करो। और वो रियलाइज़ करती है क्राइम होता है, जिससे उसको इस बात की एहसास होती है कि अभी गलत राह पे गई थी, और फिर वो सुधर जाती है। ये वन एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। अदर एस्पेक्ट है सबलिंग के ऊपर, लेस्बियनिज्म के ऊपर, कि ये जो चीज़ है इसको हम खराब भी नहीं बोलते हैं, बुराई भी नहीं बोलते हैं, लेकिन इससे सोसाइटी में कुछ फॉलोआउट्स होते हैं, कुछ इफेक्ट्स होता है। इसमें पर्सनल किसी को हम डिसरिगार्ड नहीं करेगा, जिसको करना है करे, लेकिन पुराने सोच वाली ये इसको पसंद नहीं करेगा। इसका वजह से लड़की कैसी बगावत करती है अपने पेरेंट्स के साथ और एक क्राइम करती है। तो दोनों एस्पेक्ट डील किया। एक लड़की है जो समाज से बिखर गई थी, भटक गई थी, वो वापस आ जाती है, और लेस्बियन होने का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू ए गुड सोसाइटी, ये हमने पिक्चर में बताया। नहीं, हमारे फिल्म में एक मज़ा की बात आपको बताता हूँ। ये पिक्चर बॉम्बे में रिफ्यूज़ सर्टिफिकेट किया था सेंसर से, सिर्फ दो लाइन लिखकर, क्या ये फिल्म में डबल मीनिंग डायलॉग वल्गैरिटी, वी रिफ्यूज़ सर्टिफिकेट। ये पिक्चर में ट्राइब्यूनल में लेके गया, वो जस्टिस बसिन साहब ने पिक्चर देखा, उन्होंने फटकारा बॉम्बे CBFC को लेटर दे के, आप ऐसा पिक्चर का क्यों रिफ्यूज़ किया, जिस पिक्चर में मैसेज है, जिस पिक्चर में एक किसिंग सीन नहीं है, जिस पिक्चर में एक स्मूचिंग सीन नहीं है, एक स्लाइटेस्ट वल्गैरिटी नहीं है, और आपने जो बोलते हो डबल मीनिंग लिरिक्स है, डायलॉग्स है, आपने पॉइंट आउट क्यों नहीं किया। जस्ट आपने सीधा पिक्चर को पास कर दिया, सिर्फ बोल्ड थीम की वजह से ए सर्टिफिकेट दिया और फटकारा दिया कि ऐसा करके आप हमको परेशान मत करो दिल्ली में पिक्चर भेज के। This is a picture with a message. This is said by Justice Basin of the Appellate Tribunal of from Delhi. Yes, sir. Because of the theme. Theme से होता है ना, आजकल जैसा theme अगर bold है, theme bold है, लेकिन हमारे फिल्म में कोई vulgarity नहीं है. It's a neat, clean picture, but the bold theme. Yeah. सर फिल्म में हमारे बाजू में बगल में बैठे हुए ताहिर साहब, ये बहुत बेहतरीन गाना दिया, वो शक्ति कपूर का साथ जो आइटम गाना है इनका दिया हुआ है, फिर वो भी गाना कट्टू कटेल इनका दिया हुआ है, दो गाने इन्होंने दिया है और बाकी अलग अलग संगीतकारों से लिया, क्योंकि गाने का क्या मूड रिदम अलग है, कहाँ मुझे आइटम चाहिए, कहाँ मुझे वेस्टर्न गाना चाहिए। वेस्टर्न का जो गाना दिया, प्रीतम के असिस्टेंट है संजय बासु, मेरी अभी एक फिल्म आ रही है फिल्माला स्टूडियो की, क्लब डांसर, उसमें भी उससे म्यूजिक डायरेक्टर।